हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। जनरली हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत सारे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। कुछ डिवाइसेस जो हैं वो प्योर हार्डवेयर हैं, कुछ डिवाइसेस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ काम करते हैं। तो जितने भी हमारे पास डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क्स में, अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो हम रियल वर्ल्ड के सारे डिवाइसेस के बारे में नहीं बात करने वाले, लेकिन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, या सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जिनको डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, और इवन अगर हम नहीं भी यूज़ कर रहे, कंप्यूटर नेटवर्क जो हम तो जनरली क्या करते हैं, अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या अपने पीसी से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे लैपटॉप से जब वो पैकेट निकलता है, जब वो डेटा जाता है, तो किस डिवाइस के पास जाता है, कैसे वो रिसीवर के पास पहुंचता है, तो ये सारे डिवाइसेस जो बैकएंड पे काम करते हैं, बैकग्राउंड में काम करते हैं, तो उन डिवाइसेस में हमारे पास है केबल्स, रिपीटर्स, हब, ब्रिजेस, स्विचेस, राउटर्स, गेटवे, आईडीएस, फायरवॉल एंड मॉडम। तो ये मेजर जो डिवाइसेस हैं, इनके बारे में गेट में, यूजीसी नेट में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और स्पेशली आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में आपको अगर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूरा अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको डेफिनेटली इन डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें केबल, रिपीटर या हब, इन डिवाइसेस को हम पूरा एक एक करके डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। केबल, रिपीटर एंड हब, अगर मैं इन तीन डिवाइसेस के बारे में बात करूं तो ये तीनों क्या है, प्योर हार्डवेयर। ये तीनों केबल्स, रिपीटर्स एंड हब्स, ये तीनों क्या है, प्योर हार्डवेयर है। मतलब इनमें कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। क्या होते हैं सॉफ्टवेयर या क्या काम करते हैं वो फर्दर वीडियोस में पता लगेगा। ब्रिजेस, स्विचेस एंड राउटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, और ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ, मतलब इनमें जो है सॉफ्टवेयर काम करता है, और इसकी वजह से इनका जो प्राइस है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बिकॉज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों काम कर रहे हैं। हार्डवेयर करता क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो जब हम इन डिवाइसेस को लेंगे तब आपको वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पता लगेगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ गेटवे, गेटवे एक जनरली टर्म है, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ डिवाइस। गेटवे एक जनरली टर्म है, गेट मतलब दरवाजे, दरवाजे की अगर हम बात करें तो गेटवे में हम यूज़ कर सकते हैं फायरवॉल, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं राउटर, वहां हम यूज कर सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर्स को भी, तो उसको हम बोलते हैं गेटवे। आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये जो दो डिवाइसेस हैं ये जनरली हम यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। सिक्योरिटी पर्पस, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो डिवाइसेस यूज होते हैं, बट जो जनरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है, आईडीएस एंड फायरवॉल, फायरवॉल्स एंड आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को हम यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए। और ये है मॉडम, मॉडम जो आपने डेफिनेटली अपने घरों में भी देखा होगा, आसपास देखे होंगे मॉडम्स। मॉडम्स बेसिकली क्या बोलते हैं हम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मतलब जो कंप्यूटर तो ऑब्वियसली किस जीरो और वन की फॉर्म में काम करता है, मतलब डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम करता है, मतलब जो डेटा हम भेज रहे हैं वो डिजिटल डेटा है, लेकिन जो वायर्स बैकएंड पे यूज हो रही है, जो केबल्स यूज हो रही है, उनमें क्या होता है, एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल का कन्वर्जन कौन करता है, बेसिकली मॉडम्स करते हैं। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स, रिपीटर्स, हब, इनके बारे में हम एक एक करके इनके डिवाइसेस के बारे में हम देखेंगे कि क्या इनका यूज है, व्हाट इज द पर्पस, और गेट में किस तरीके के या यूजीसी नेट में किस तरीके के क्वेश्चंस जो है इनके ऊपर आए हुए। तो ये डिवाइसेस जो है वो मेजर डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में हम यूज करते हैं। थैंक यू।